किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम चढ़ूनी पहुंच चुके हैं। गुरनाम चढ़ूनी से हम सीधी बात करेंगे। खाप पंचायतें लगातार हो रही है, कितना दबाव बन रहा है सरकार पर? देखिए, सरकार पे दबाव जरूर बढ़ेगा, लोकतंत्र की तरीके तो यही है, लेकिन ये सरकार लोकतंत्र के तरीके से मान नहीं रही है। ये यहाँ पे पूंजी तंत्र चल गया है और जो लोगों की सिरों की गिनती होती है या लोगों का जो भावना होती है वो सरकार नहीं देख रही है। आप लोग सरकार पर दबाव बनाने के लिए पंचायत दर पंचायतें कर रही हैं, उधर संसद में प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि तीनों कृषि कानून किसानों के, जो देश की पंचायत है उसमें भी आवाज़ उठ रही है, जो समाज की पंचायतें हैं उनमें भी आवाज़ उठ रही है, उसके बावजूद भी नहीं सरकार माने तो फिर लोकतंत्र का गला घोट रहे। आंदोलनजीवी कहा गया आंदोलनकारियों को, उस पर सफाई दी गई लोकसभा में, क्या मानते हैं कि सरकार आप लोगों की बात सुन रही है या आप लोगों के साथ जो बातचीत नहीं हो रही उसमें टाइम व्यतीत हो रहा है? हमें गर्व है आंदोलनजीवियों पे, आंदोलनजीवियों ने देश को आज़ाद कराया, आंदोलनजीवियों ने हर अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई और यही आंदोलनजीवी आज देश की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें गर्व है अपने आंदोलनजीवी होने पर। तीन कृषि कानूनों की वापसी के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन अब बातें आ रही है सरकार गिराने तक की। ये कृषि कानून नहीं है, ये कृषि व्यापार कानून है। कृषि कानून तो सेंट्रल सरकार बना ही नहीं सकती, कृषि व्यापार कानून है और ये पूरा देश का जो व्यापार है, जो अनाज का व्यापार है, जो अन्न का व्यापार है, वो सारा कारपोरेट करेगा, कारपोरेट को फायदा पहुँचाने के लिए। अब मन से आवाज उठ रही है कि हरियाणा सरकार को गिराओ ताकि केंद्र पर दबाव बने। देखिए, सरकारें तो सारी गिरेगी, हरियाणा की भी गिरेगी, केंद्र की भी गिरेगी, क्योंकि पत्थर सख्त होता है, वो बिगड़ता नहीं है, वो झुकता नहीं है, लेकिन टूट जरूर जाता है। अब ये जो चोट पर चोट पड़ रही है सेंट्रल सरकार को, ये उसको कमजोर कर रही है और उसके बीच में बगावत हो गई है, बीजेपी वालों में खुद में बगावत हो रही है। आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा जैसा राकेश टिकैत ने कहा था? जी, आंदोलन अक्टूबर तक चलने वाला है क्या? नहीं, वो उसकी वर्डिंग हो सकती है, मेरे को नहीं पता उसने क्यों दे दी, क्या उसने मजाक किया है, क्या किया है, संयुक्त मोर्चे का बयान नहीं है। 18 फरवरी को रेल रोकनी है, 4 घंटे के लिए आप लोगों ने ऐलान किया है, तो क्या रणनीति रहेगी उसकी? ये थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और किसानों के हक में आवाज बुलंद करते हुए कह रहे हैं कि सरकार, वो हर सरकार गिरेगी जो किसानों की मांग का समर्थन नहीं करेगी। इसके लिए लगातार इन खाप पंचायतों के माध्यम से ही सरकार पर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है ताकि तीन कृषि कानूनों की वापसी की लड़ाई को जीता जा सके। प्रवीण कुमार दिनकर, पंजाब केसरी, टिक रिपोर्ट। हमारी पंचायत में आगे बैठ जाए तो आगे तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वरना आगे आने वाले टाइम में वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। पंचायत उनको छुटकार देगी और गांव में जब भी तो